सभी किसान भाइयों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज भारत एग्री के स्मार्ट खेती के अंतर्गत हम जानेंगे बैंगन की खेती के दौरान उसके फूल गिरने के कारण एवं नियंत्रण के उपाय के बारे में। प्रिय किसान भाइयों, यदि बैंगन की खेती से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपको हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। प्रिय किसान भाइयों, बैंगन की खेती भारत में प्रायः सभी प्रदेशों में की जाती है। किसान भाइयों, यह भारत की प्रमुख सब्जी वाली फसल है। यदि इसमें देखरेख ना की जाए तो इसमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। मुख्य रूप से इसमें फूल गिरने की समस्या देखी गई है। किसान भाइयों, आइए जानते हैं फूल गिरने के कारण। किसान भाइयों, फूल गिरने का पहला कारण है आर्द्रता। यदि आर्द्रता 60% से नीचे और 85% से ऊपर जाती है तो इसके फूल गिरने की समस्या देखी गई है। दूसरा कारण है मौसम। मौसम में यदि तापमान 10 डिग्री से नीचे और किसान भाइयों 35 डिग्री के ऊपर जाता है तो भी फूल गिरने की समस्या देखी गई है। तीसरा कारण है किसान भाइयों, नमी। किसान भाइयों, यदि बैंगन की खेती में नमी का असंतुलन होता है तो भी फूल गिरने की समस्या देखी गई है। चौथा कारण है खाद एवं उर्वरकों का सही प्रयोग ना करना। इसके अलावा किसान भाइयों, रोग एवं कीटों का प्रकोप। बैंगन की फसल में मकड़ी सफेद मक्खी का प्रकोप देखा गया है जो पौधों के कोमल भागों से और फूलों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से फूल गिरने की समस्या देखी गई है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसमें इनकी कमी आने की वजह से भी फूल गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, आइए जानते हैं बैंगन की फसल में फूल गिरने से रोकने के उपाय के बारे में। प्रिय किसान भाइयों, सर्वप्रथम मृदा परीक्षण के आधार पर अपने खेत में मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच के अकॉर्डिंग अपनी फसल में खाद एवं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें। दूसरा किसान भाइयों, इसमें किसान भाइयों नमी का संतुलन बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें और ड्रिप सिंचाई में जो आप सिंचाई करने जा रहे हैं उसमें एक दिन छोड़कर आप सिंचाई करें। इसके अलावा किसान भाइयों, रोग एवं कीटों की निगरानी के लिए इसमें स्टिकी ट्रैप इस्तेमाल करें, जैसे कि पील स्टिकी ट्रैप। इन्हें आप लगाते हैं खेत में तो उससे कीटों की संख्या का पता लगता है और उसके द्वारा आप रासायनिक तरीके से नियंत्रण भी कर सकते हैं कीटों का और फूलों को गिरने से रोक सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, प्लानोफिक्स 1 ml प्रति 4.5 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने से भी आप अपनी फसल में फूल गिरने से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अपने खेत की मेड़ों के चारों किनारे पर फूल वाले पौधे लगाएं, जिससे मधुमक्खियां और तितलियां आएंगी, वह इसमें परागण करेंगी, जिससे फूल अधिक आएंगे और फल ज्यादा बनेंगे। प्रिय किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें और भारत एग्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।